हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एम मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल चले जीएसटी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो हमारे फाइनेंस शेड्यूल 3 में जो चेंजेस हुए हैं उसमें एक चेंजेस ये है कि आपको रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज के बारे में बताना है। मतलब अगर आपने उससे कुछ ट्रांजेक्शन किया है या नहीं किया है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी लिस्ट, उस डिटेल को हम कहाँ पर फाइंड करें, क्या क्या डिटेल हमको देनी है, तो ये सब हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। मैं आपको वो लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आपको स्ट्रक ऑफ कंपनीज की डिटेल मिल जाएगी, और वो वे ऑफ भी बता दूंगा कुछ, जिससे कि आप एक प्रोबेबल चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रक ऑफ कंपनीज है या नहीं है, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा नहीं है तो। देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईसीआई की गाइडलाइंस बता देता हूँ कि इसके बारे में आईसीआईसी गाइडलाइंस क्या कहती है। आईसीआईसी की गाइडलाइंस कहती है कि द कंपनी हैज एनी ट्रांजेक्शन विद कंपनीज स्ट्रक ऑफ अंडर सेक्शन 1448 ऑफ कंपनीज एक्ट इन 2019 2013 और सेक्शन 1560 ऑफ कंपनीज एक्ट, द कंपनी शैल डिस्क्लोज। मतलब अगर कोई कंपनी स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ में कोई ट्रांजेक्शन करती है तो उसे बिलो डिटेल्स देनी होगी, उसको बताना होगा कि नेम ऑफ द स्ट्रक कंपनी क्या है, फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ में, अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई रिसीवेबल है, कोई पेबल है, या शेयर हेल्ड किया हुआ है स्ट्रक ऑफ कंपनी ने, या अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो आपको बताना है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज इफ एनी टू बी डिस्क्लोज। मतलब अगर आपको कोई रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी जो वेंचर एसोसिएट्स है तो वो भी आपको इसमें बताना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो जब कोई डिस्क्लोजर देंगे तो उसमें आईसीआई ने जो गाइडलाइंस दी है वो इस तरीके से दी है। नेम ऑफ द स्टॉक कंपनी, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंपनी व्हिच हैज बीन स्टॉक अप द रेस्पेक्टिव रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बाय पब्लिक नोटिस फ्रॉम एसटीके 7 अंडर सेक्शन 248। तो एसटीके 7 कहाँ पे मिलेगा वो भी हम किस आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसमें जो नाम लिखा होगा वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन विद कंपनी, द कंपनी शैल यूज द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन ग्रुपिंग द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन विद ईच स्ट्रक ऑफ कंपनी, इट शैल यूटिलाइज एंड स्पेसिफाइज पार्ट ऑफ अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अगर आपको जो ऊपर के पैरामीटर दिखा है उसमें कोई फिट नहीं कर रहा है तो आप उसको अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस करके दिखा सकते हैं। बैलेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट विदाउट नेटिंग द। मतलब सपोज कीजिए हमने किसी स्टॉक कंपनी को कुछ सर्विसेज दी और कुछ सर्विसेज उससे ली, तो हम ओनली जो सर्विसेज दी है उसको ग्रॉस करके दिखाएंगे, उसको नेट नहीं करके दिखाएंगे। फिर अगर रिलेशनशिप है तो वो हमको दिखाना है। और इसी प्रकार से अगर वो कंपनी स्ट्रक ऑफ है लेकिन वो एनसीएलटी वगैरह में चली गई है, रिस्टोरिंग हो गई है, तो उस कंपनी का नाम हमको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। ये एक इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट दिया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि शेड्यूल 3 में आप जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी डिस्कस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आईसीआई ने ये फॉर्मेट दिया है कि बैलेंस आपको करंट पीरियड का भी दिखाना पड़ेगा, रिलेशनशिप विद स्टॉक कंपनी के बताना पड़ेगा, और बैलेंस आउटस्टैंडिंग इस प्रीवियस ईयर का भी बताना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का भी बताना पड़ेगा, उसके साथ रिलेशनशिप भी आपको बताना पड़ेगा। देर ना करते हुए हम देखते हैं कि हमको ये लिस्ट मिलेगी कहाँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अभी एमसीए ने क्या किया हुआ है। अगर आपको कंपनी फाइलिंग करनी है तो वर्जन 2 पे जाना है, और अगर कंपनी एलएलपी फाइलिंग करनी है तो वर्जन 3 पे जाना है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस जो है अभी उन्होंने किया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एमसीए वर्जन 2 पे आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा। एमसीए वर्जन 2 आप जैसे करोगे उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको डेटा एंड सर्विसेज दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। डेटा एंड सर्विसेज में आपको जो कंपनी एलएलपी इंफॉर्मेशन है वहां पे जाना है, और कंपनी स्टैटिक्स, देन आरओसी इंफॉर्मेशन, आपको थर्ड आरओसी इंफॉर्मेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनी स्ट्रक ऑफ बाय आरओसी अंडर सेक्शन 248, नोटिस ऑफ स्ट्रक ऑफ रजिस्टर एसटीके 7 अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 248, ये मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आ जाएगी आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एक स्क्रीन है उस पर केवल 5 ही पेज होंगे, अगर आप 5 ही रिपोर्ट होंगे, अगर आपको 20 रिपोर्ट शो करना है तो आप 20 रिपोर्ट शो कर सकते हो। अभी आप समझिए कि 20 रिकॉर्ड, मतलब इतने 31 मार्च 2022 तक जितने भी रिकॉर्ड इसमें पोस्ट किए गए हैं वो सबको हमको वन बाय वन डाउनलोड करना है, और फिर उसमें देखना है कि हमारी स्ट्रक ऑफ कंपनीज है कि नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ी बात
जब तक ये घूम रहा है, मैंने एक स्टैक ऑफ कंपनीज का डेटा डाउनलोड किया हुआ है, तो इसके अंतर्गत आप ये समझिए कि आपको केवल सिन नंबर और कंपनी का नाम मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जो डाउनलोडेड डेटा है, ये फिर भी पीडीएफ में कुछ इमेजेस इमेज के साथ में भी अटैच किए हुए हैं, कुछ दूसरे फॉर्मेट में अटैच किए हुए हैं, जिसमें सर्च करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमको जैसे पता है कि जब कंपनी अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो नॉर्मली नॉर्मली केस में कंपनी ना तो सिन नंबर मेंटेन करती है, और ना ही जो इसका नाम होता है सिन नंबर के साथ में। जैसे अभी पहला पहला कंपनी का नाम है ट्वेल्व स्टोन बॉर्नवेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी अगर इसका लेजर खोलेगा तो स्टोन बॉर्नवेन या कुछ अपने तरीके से नाम से खोलेगा, इंडिया पीवीटी लिमिटेड, तो उसके साथ में इसको सर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। बट स्टिल इस तरीके से ये डाउनलोड होगा, और ये थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है। इसी के साथ में मैं एमसीए वर्जन, आप थ्री टॉप थ्री टाइप करोगे तो एमसीए वर्जन आपका थ्री हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको क्या करना है, डेटा एंड रिपोर्ट्स में जाना है, और आरडी आरसीए इंफॉर्मेशन पे जाना है, और लिस्ट ऑफ कंपनीज करना है, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम डिटेल यहाँ पे भी शो होने लग जाएगा। आप इसके अंतर्गत फिल्टर बाय कंटेंट, मतलब आप कंटेंट कंपनी के नाम वगैरह से सर्च, आरओसी के नाम वगैरह से सर्च कर सकते हो, या क्या यहाँ पे या आरओसी, आप अगर आपका पता है कि आपका चंडीगढ़ का बन रहा है या कोई का भी बन रहा है, तो आप उसी हिसाब से आरओसी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको 20, फिर यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएंगे, उसमें से आपको वन बाय वन सारे पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, और फिर उनको क्लब करके उसमें सर्च करना है कि आपके साथ में जो ट्रांजेक्शन हुआ है जिस कंपनी के साथ में, वो हुआ नहीं। तो ये एक बहुत कंबरसम टास्क है। इसका एक दूसरा वे आउट ये है कि आप जब वर्जन टू या वर्जन थ्री पे जाएंगे, तो वहाँ पे मास्टर डेटा करके आपका एक ऑप्शन आएगा, उस मास्टर डेटा में आप व्यू और कंपनी पे क्लिक कीजिए। अब जैसे जो हमने पहली कंपनी देखी थी, उसमें सिन नंबर उसका उठा लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ कि ये सारे सिन नंबर नहीं, जो भी आपके, लेकिन आपके पास में उस कंपनी का सिन नंबर होना चाहिए। तो सपोज करो आपके 10 डेटर है जिसको आपको देखना है कि स्ट्राइक ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो 10 डेटर, ये छोटे डेटा के लिए काम में आएगा ये फंक्शन, तो वो 10 डेटर्स का आपके पास में सिन नंबर होना चाहिए। आप उस सिन को यहाँ पे मास्टर डेटा में डालिए, और ये कैप्चा पोस्ट कीजिए, और सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में कंपनी स्टेटस फॉर ई फाइलिंग करके आएगा, जो स्ट्राइक ऑफ है, यहाँ पे ये बता देगा कि वो कंपनी एक्टिव है या नहीं है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी स्ट्राइक ऑफ है, और इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। दूसरा एक ये है कि जिस भी कंपनी का पैन नंबर से आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग देख सकते हैं, अगर वो अभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग कर रही है, तो दैट मीन्स वो कंपनी मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव ही है। मैं 100% नहीं बोलता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो कंपनी एक्टिव ही है, उस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे जाएंगे वन बाय वन कंपनी को सर्च करने के लिए, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और कंबरसम टास्क होने वाला है। देखिए अभी ये खुल गया है, अभी आप ये 20 लिस्ट है, आपको एक एक लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं कोई भी एक लिस्ट डाउनलोड करता हूँ, जैसे ये लिस्ट डाउनलोड की, अब जब ये लिस्ट डाउनलोड की, तो सबसे पहले तो ये लिस्ट जो होती है आपकी, वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होती, इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको डाउनलोडेड वर्जन में देखने जाओगे, तो ये कुछ इस तरीके से डाउनलोडेड होगी। अभी आपको इसको ओपन करना है एडोब रीडर में, इसको आप ओपन करोगे, तो मैंने जैसे बताया कि ये कैसे भी आ सकती है। अब देखिए ये है, अब ये क्या है कि इमेज फॉर्मेट में ना आप इसको कुछ सर्च कर सकते हो, ना कुछ इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंबरसम टास्क है। इस तरीके से आपको कम से कम मोर देन 100-200 पेजेस को जो है ऐसे वन बाय वन देखना है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आपके पास में ज़्यादा डिकोड नहीं है, तो आप मास्टर डेटा में जाइए। मैं फिर से बता देता हूँ, एमसीए के मास्टर डेटा में आपको जाना पड़ेगा। मास्टर डेटा में आप जब जाएंगे, तो आपको ये मिल जाएगा, एमसीए के मास्टर डेटा में आप जाइए, मास्टर डेटा के अंदर आपको जो है ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप पैन नंबर के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।